हूँ निवेदिता। साल 2014 में अमेरिका के मशहूर मेडिसन स्क्वायर में पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण आज भी लोगों के जहन में जरूर होगा, जब पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी सितंबर में अमेरिका गए थे और संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। अमेरिका दौरे पर गए पीएम मोदी ने मेडिसन स्क्वायर में बड़ी संख्या में आए भारतीयों को भी संबोधित किया था, जिसे पूरी दुनिया ने देखा था। पूरा हॉल मोदी मोदी से गूंज गया था। पीएम मोदी का मेडिसन स्क्वायर जैसा मेगा शो एक बार फिर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार दूसरी बार सत्ता में आए पीएम मोदी सितंबर में एक बार फिर अमेरिका जा रहे हैं, जहां उन्हें संयुक्त राष्ट्र की महासभा को संबोधित करना है। इस बार भी पीएम मोदी यूएन महासभा को संबोधित करने के बाद हाउडी मोदी नाम के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में भाषण देंगे। इस भाषण में वो जलवायु परिवर्तन पर बात कर सकते हैं। वो यहाँ पर 35 मिनट का भाषण देंगे, लेकिन इससे पहले 22 सितंबर को पीएम मोदी के मेगा शो की तैयारी की जा रही है, जो बिल्कुल मेडिसन स्क्वायर की तर्ज पर होगा, जिसकी तैयारी अमेरिका में बसे भारतीय समुदाय के लोग जोर शोर से कर रहे हैं। ये कार्यक्रम टेक्सास के ह्यूस्टन में आयोजित किया जाएगा, जहाँ भारतीय मूल के करीब 5 लाख लोग रहते हैं। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कोई टिकट नहीं है, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके लिए एक वेबसाइट भी तैयार की गई है, www.howdymodi.org पर जाकर कोई भी व्यक्ति कार्यक्रम में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। आयोजकों की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में न्यू इंडिया के विजन को दुनिया के सामने रख सकते हैं। हालांकि इस कार्यक्रम की आधिकारिक पुष्टि अभी भारतीय जनता पार्टी या फिर भारत सरकार की ओर से नहीं की गई है। इस कार्यक्रम को #howdymodi नाम दिया गया है। टेक्सास इलाके में इस शब्द का इस्तेमाल स्लैंग के तौर पर किया जाता है। हाउडी मतलब हाउ डू यू डू होता है, यानी कार्यक्रम का नाम हुआ हाउ डू यू डू मोदी। इस कार्यक्रम में 10,000 से अधिक लोग हिस्सा ले सकते हैं। दूसरी बार जीतने के बाद पीएम मोदी पहली बार अमेरिका दौरे पर जाएंगे। इससे पहले 2014 में जब पहली बार पीएम मोदी अमेरिका गए थे, तो मेडिसन स्क्वायर पर पीएम मोदी ने ऐतिहासिक भाषण देकर पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया था। ऐसी छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें हैं जो भारत का भाग्य बदलने वाली है, और उस भाग्य बदलने के काम में हम सब मिलकर के जुड़े। 2015 अगले वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है। आप सब प्रवासी भारतीय हैं, क्योंकि आप भारत से बाहर आए हैं। आपकी तरह एक एमके गांधी भी, मोहनलाल करमचंद गांधी, ये भी प्रवासी भारतीय थे। और महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत वापस आए थे। जनवरी 2015 गांधी के भारत आने को 100 साल हो रहे हैं। आठ नौ जनवरी हिंदुस्तान में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आप में से कई लोग उसमें आते हैं। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस अहमदाबाद में होने वाला है। और महात्मा गांधी के भारत वापस आने को शताब्दी हो रही है, और इसलिए हर प्रवासी भारतीय जो कि हिंदुस्तान से बाहर गया है,
महात्मा गांधी विदेश गए, बैरिस्टर बने, सुख वैभव की पूरी संभावनाएं थी, लेकिन देश के लिए जीना पसंद किया। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, उन सबसे प्रेरणा लेकर के आइए हम भी अपने वतन का, अपनी मातृभूमि का, जिस धरती पर हमें उसका कर्ज चुकाने के लिए अपनी तरफ से कोई न कोई प्रयास करें, अपने हिसाब से कोई न कोई कोशिश करें। कुछ बातें मुझे कहनी है आप लोगों से। प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ चीजें मेरे कान पे आई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं। एक तो पीआईओ कार्ड होल्डर जो हैं, उनकी वीजा की कई समस्याएं हैं। हमने निर्णय किया है पीआईओ कार्ड होल्डर को आजीवन वीजा दिया जाएगा। खुश, उससे भी आगे जो लंबे समय तक हिंदुस्तान रहते हैं उनको पुलिस थाने जाना पड़ता है, अब उनको पुलिस थाने जाना नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से मुझे बताया गया कि पीआईओ तथा सीआईओसीआई स्कीमों के प्रावधानों में फर्क होने के कारण भारतीय मूल के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, विशेषकर स्पाउस के भारतीय मूल का न होने पर कठिनाई और बढ़ जाती है। किसी ने यहां शादी कर ली, बेचारा मुसीबत में फंस जाता है। मेरे साथियों, मैं आपको खुशखबरी देता हूं कि कुछ ही महीनों में हम पीआईओ तथा ओसीआई स्कीम्स को मिला करके एक बना देंगे। और एक नई स्कीम जो कठिनाइयां हैं उसे मुक्त करके एक नई स्कीम आने वाले कुछ ही महीनों में उसको हम तैयार कर देंगे। तीसरी बात है, अभी अभी इंतजार कीजिए, मैं बोल रहा हूं। अमेरिका में हमारे दूतावास और कॉन्सुलेट भारत में पर्यटन की इच्छा से आने वाले यूएस नेशनल्स के लिए लॉन्ग टर्म वीजा प्रदान करेंगे। चौथी बात, बिना किसी कठिनाई के अमेरिकी टूरिस्ट भारत की यात्रा कर सके, इसके लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथोराइजेशन तथा वीजा ऑन अराइवल की सुविधा को बहुत ही निकट भविष्य में इसको भी लागू कर देंगे। इन चीजों को सुनिश्चित करने के लिए सेवाएं स्पीड भी बढ़े, और यहां भारतीयों की संख्या भी बहुत है।
अब धन की इतनी मात्रा है कि हर छोटे मोटे काम में लोग आते जाते रहते हैं और जो आउटसोर्सिंग सर्विस है वो कम पड़ जाती है। और इसलिए हमने कहा है कि आउटसोर्सिंग जो सर्विसेज हैं उसका दायरा बढ़ाया जाएगा ताकि आपको ज्यादा समय न जाए, ज्यादा कठिनाइयां न हो और सरलता से आपको वीजा प्राप्त हो। ये साफ साफ आपने कहा है और मुझे विश्वास है कि आपकी जो कठिनाइयां मेरे ध्यान में आई थी, मैंने यहां आने से पहले ही इस विषय में विस्तार से निर्णय करके इन चीजों को पूरा किया है। आप इतनी बड़ी मात्रा में आए, नवरात्रि के पवित्र त्योहार पर आए और मैं भी बोलता ही चला जा रहा हूं घड़ी की ओर। मैं हृदय से आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। आपने मुझे बहुत प्यार दिया है। शायद मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूं, शायद इतना प्यार हिंदुस्तान के किसी राजनेता को नहीं मिला। मैं आपका बहुत आभारी हूं और मैं ये कर्ज चुकाऊंगा, ये कर्ज चुकाऊंगा, आपके सपनों का भारत बना करके कर्ज चुकाऊंगा। हम मिलकर के भारत मां की सेवा करें। हमसे जो हो सके हमारे देशवासियों के लिए करें, अपने वतन के लिए करें। जिस धरती में हमने जन्म लिया, जिस कुल में हमने शिक्षा पाई, हमसे जो हो सकता है हम सब करें। इसी एक अपेक्षा के साथ फिर एक बार हृदय से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बुलाइए। अरे उपवास मेरे हैं, आपके थोड़े हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।